नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। फास्ट फूड में पिज्जा आजकल लोगों की पहली पसंद बन चुका है। बच्चे, युवा या फिर बुजुर्ग, हर किसी को पिज्जा खाने में बहुत पसंद है। दुनिया भर में डोमिनोज पिज्जा का सबसे पसंदीदा ब्रांड है, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर डोमिनोज के एक आउटलेट की फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पिज्जा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे की एक ट्रे पर टॉयलेट साफ करने वाला सामान लटका हुआ है। यह फोटो बेंगलुरु के एक पिज्जा आउटलेट की बताई जा रही है। इस फोटो में पिज्जा को पसंद करने वाले लोगों के मन में पिज्जा के प्रति संदेह प्रकट हुआ है। फोटो में आटे की ट्रे के ऊपर टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश और पोछा लटका हुआ है। इस फोटो को देखने के बाद इंटरनेट पर लोग भड़क उठे हैं। इस बीच डोमिनोज ने उन आलोचनाओं पर सफाई दी है। अपनी सफाई में डोमिनोज ने कहा है कि हमारा ब्रांड हमेशा स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, और हम अपने इस मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। इन परिचालक मानकों के उल्लंघन के लिए हमारे पास जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। हमने इस घटना का संज्ञान लिया और अब मामले की पूरी जांच की जाएगी और किसी भी लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ उचित एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्विटर पर तुषार नाम के ट्वीट हैंडल ने सबसे पहले इन तस्वीरों को शेयर किया था। इस फोटो के साथ यूजर ने लिखा था कि बेंगलुरु के एक डोमिनोज आउटलेट की यह तस्वीर, जिसमें पिज्जा के आटे के ऊपर सफाई का सामान लटका हुआ है, एक टॉयलेट ब्रश, पोछे और कपड़े दीवार पर लटके देखे जा सकते हैं, और उनके नीचे आटे की ट्रे रखी हुई है। इस फोटो पर एक यूजर ने कहा कि इसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, आई, जे, के, एल आदि एंटी ऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, आयोडीन जोड़ना कहा जा सकता है। एक अन्य यूजर ने कहा कि गलत फ्रेंचाइजी के मालिक का विवरण प्राप्त करें, आपको जवाब मिलेंगे, और अगर यह तस्वीर सही है तो फिर फ्रेंचाइजी की सेवा को समाप्त करना चाहिए, इसे हल्के में बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, डोमिनोज ने तो अपनी सफाई दे दी है। आप इस वीडियो को देखकर आप अपनी सफाई अवश्य दें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।